नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्ट फॉर लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन MCQ टाइप वीडियो फर्स्ट। इससे पहले कोई अभी तक इस टॉपिक पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया जा चुका, लेकिन जो अपने क्लास में इलेक्टिव में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के वीडियो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। उसमें चार पाँच वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। हर एक वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए। उसी प्रकार आज के इस वीडियो में वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन में भी हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो हैं और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो इन बेसिक क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो थोड़ा इजी है, थोड़ा इजी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, द अर्ली FM पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम वर यूज इन, यानी कि प्रारंभिक FM पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम का उपयोग किया जाता था। किसमें किया जाता, तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा ऑप्शन दिया हाफ डुप्लेक्स मोड, तीसरा ऑप्शन दिया फुल डुप्लेक्स मोड और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्या पूछ रहा। पुश टू टॉक यानी कि हम एक ऐसा बटन होता था जिसको हम पुश करके उसमें से बात करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के बारे में अगर बात किया जाए थोड़ा सा, तो हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड जो होता है ये वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। पार्ट में कैसे दो टाइप होते हैं, एक हमारा क्या होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक होता है बाई डायरेक्शनल। तो जो बाई डायरेक्शनल है उसका एक टॉप पार्ट है क्या, हाफ डुप्लेक्स। ये दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, जिसमें होती तो दोनों तरफ से बात, लेकिन वन टाइम केवल एक ही लोग से बात हो सकती है। यानी जैसे हॉकी टॉकी आप देखे होंगे, हॉकी टॉकी क्या होता है कि उसमें बात तो दोनों तरफ होती है, जो रिसीवर है वो भी बात करता है और ट्रांसमिट कर सकता है, जो ट्रांसमीटर है वो भी रिसीव कर सकता है, लेकिन ए वन टाइम एक ही लोग को बात। उसमें एक बटन होता है जिसको हम पुश करते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, यानी अपनी आवाज़ वहाँ को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए पुश टू टॉक कहा गया। इसलिए जो इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या, वॉकी टॉकी हो जाएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन का जो राइट होगा आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा, हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड किस पे बेस्ड होता है, पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम पे। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, हमारे पेइंग सिस्टम वर बेस्ड ऑन, पेइंग सिस्टम किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया सिंप्लेक्स सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया हाफ डुप्लेक्स सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया है फुल डुप्लेक्स सिस्टम और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, सिंप्लेक्स सिस्टम। यानी जो पेइंग सिस्टम होता है किस पे बेस्ड होता है, सिंप्लेक्स सिस्टम पे होता है। अब सिंप्लेक्स सिस्टम क्या होता है, सिंप्लेक्स सिस्टम अगर बात किया जाए तो क्या होता है, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि एक मतलब कि इसमें एक ही डायरेक्शन में ही कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी कि रिसीवर को रिसीव ही करना पड़ेगा, ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट ही करेगा। ट्रांसमीटर कभी किसी सिग्नल को रिसीव करने वाला नहीं और न तो रिसीवर कभी किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसकी एग्जाम्पल हमारा टेलीविज़न हो जाता है, या फिर जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती वो होती है कि आप उन जो बोल रहे हो आप उनको तो सुन सकते हैं, लेकिन सोचो हम कोई प्रतिक्रिया दे सकें तो आप नहीं दे सकते। तो उसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, पेइंग सिस्टम कहा जाता है, पेजिंग सिस्टम कहा जाता है। तो पेजिंग सिस्टम क्या होता है कि वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि हम केवल सुन सकते हैं तो सुन सकते हैं और जो बोलता है वो बोल ही सकता है, यानी जो ट्रांसमिट करता है वो ट्रांसमिट ही करेगा, जो रिसीव करता है वो रिसीव ही करेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सिंप्लेक्स सिस्टम। आई होप क्लियर हो गया है सिंप्लेक्स सिस्टम क्या होता है, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा थर्ड को नंबर क्या हमारा, पेजिंग सिस्टम कुड बी यूज टू, यानी पेजिंग सिस्टम उपयोग करने के लिए किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया क्या, सेंड म्यूजिक सेंड न्यूमेरिक मैसेज, दूसरा ऑप्शन दिया गया सेंड अल्फा न्यूमेरिक मैसेज, तीसरा ऑप्शन दिया वॉइस मैसेज, चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो आप समझ सकते हैं पेजिंग सिस्टम क्या, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में लगभग सब कुछ तो भेजा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक भेजा जाता है, न्यूमेरिक भी भेजा जाता है, वॉइस मैसेज भेजा जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है इसका, जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, गैरेज डोर ओपनर इज, यानी कि गैरेज का दरवाज़ा खोलने वाला होता है क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, ट्रांस रिसीवर होता है और नन ऑफ द एबव होता है। तो गैरेज का दरवाज़ा खोलने के लिए हम मान लो किसी रिमोट के थ्रू गैरेज का दरवाज़ा खोल रहे हैं तो क्या करेगा,
उसके अंदर जो सिस्टम लगा है वो तो रिसीव करेगा सिग्नल तुम क्या दे रहे हो। लेकिन जो ओपनर होता है, जो रिमोट हम यूज़ कर रहे हैं, जिस सिग्नल से आगे आप किसी से कनेक्ट कर लो, आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हो या फिर किसी से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाए हमारा ट्रांसमीटर हो जाए। जैसे IoT होता है, IoT अगर बल्ब को जलाने वाला, बल्ब को हम ग्लो करते हैं तो किससे करते हैं, फ़ोन से करते हैं, वाईफाई से करते हैं, ब्लूटूथ से करते हैं, किसी से बेस्ट होता है हमारा, तो उस समय जो फ़ोन होता है वो तुम्हारा ट्रांसमीटर का काम करता है और बल्ब चलता है, उसके अंदर जो सर्किट होती है वो तो रिसीव करता है, वो तो रिसीवर हो जाएगा, लेकिन जो करने वाला होता है वो ट्रांसमीटर होता है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा, वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसमीटर। यानी कि द गैरेज का दरवाज़ा खोलने वाला जो होगा वो ट्रांसमीटर होगा, और जो दरवाज़ा खोलता है वो हो जाएगा हमारा रिसीवर। इसमें कन्फ्यूज मत होना कि रिसीवर क्या होगा, ट्रांसमीटर क्या होगा, खोलने वाला ट्रांसमीटर, और जो खोलेगा दरवाज़ा, जो उसके अंदर सिस्टम लगा रहेगा, जो दरवाज़ा को ओपन करेगा, उसके लिए जो होगा वो हमारा रिसीवर होगा। वहाँ पे सर्किट जो लगाई जाएगी वो रिसीवर की सर्किट लगाई जाएगी, और जो हम कम सिस्टम भेज रहे हैं यानी कि जो हम उसको इंट्रैक्शन दे रहे हैं वो कौन सा सिस्टम होगा, वो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। तो जो गैरेज का ओपनर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसमीटर होता है। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका राइट आंसर, आंसर नंबर ए होगा ट्रांसमीटर। याद कर रहे ना, गैरेज का दरवाज़ा यानी कि गैरेज डोर ओपनर इज ए ट्रांसमीटर। ठीक, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ टीवी रिमोट कंट्रोल इज इन द रेंज, यानी कि जो टीवी रिमोट होता है, टीवी रिमोट की वाहक फ्रिक्वेंसी सीमा कितनी होती है। इसके जो ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन दिया गया ऑफ इंफ्रा रेड, दूसरा ऑप्शन दिया गया लेस देन 100 मेगाहर्ट्ज़, तीसरा ऑप्शन दिया गया लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज़, और चौथा ऑप्शन दिया गया है लेस देन 2 गीगाहर्ट्ज़। तो इसका जो रिमोट कंट्रोल वाहक फ्रिक्वेंसी होती है किस पे होती है, अल्फ़ा रेड पे होती है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अल्फ़ा रेड रिमोट जो होता है उसको आप ऐसे तो नहीं दिखा सकते नग्न आँखों से कि उसमें एक ब्लिंकिंग होती है, अगर आप वो कैमरे के सामने देखें तो उसमें एक ब्लिंकिंग होती है, जो लाइट निकलती है वो क्या होती है, अल्फ़ा रेड होती हैं, जो हमारी स्वतंत्र आँखें नहीं देख सकती हैं, उनको देखने के लिए आप कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। कैमरा के सामने अगर रिमोट को प्रेस करेंगे तो ब्लिंक करेगा, उसमें जो आगे एक ट्रांसमीटर लगा होता है, जो हमारा क्या होता है, एक जो आगे एक IR सेंसर लगा होता है, उससे एक लाइट ब्लिंक करती है। तो कौन सी लाइट होती है, ऑफ इंफ्रा रेड होता है। ठीक, ऑफ इंफ्रा रेड। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ए आंसर हो जाएगा, ऑफ इंफ्रा रेड। जो रिमोट टीवी रिमोट कंट्रोल या फिर कोई रिमोट कंट्रोल होता है उसमें जो रेडिएशन निकलता है कौन सा होता है, इंफ्रा रेड रेडिएशन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या हाफ डुप्लेक्स सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन है, यानी कि संचार के लिए आधा द्वैत प्रणाली है। नंबर 1 ऑप्शन दिया कम्युनिकेशन टू सिग्नल डायरेक्शन, नंबर 2 दिया कम्युनिकेशन टू सिग्नल डायरेक्शन एट ए टाइम, नंबर सी ऑप्शन दिया कम्युनिकेशन थ्रू बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, और नंबर डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। इससे पहले जब आपको पहला क्वेश्चन बताया था उसमें हाफ डुप्लेक्स के बारे में बताया था। हाफ डुप्लेक्स क्या होता, तो उसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन यानी कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वन टाइम में एक ही लोग बात कर सकते हैं। यानी क्या होगा कि टू वे कम्युनिकेशन होता बट नॉट ए सेम टाइम, यानी कि एक समय में दोनों लोग बात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम में सिंगल डायरेक्शन में ही बात हो सकता है। यानी कि क्या होगा, हमारा जो ट्रांसमीटर से रिसीवर यानी कि जो रिसीव कर रहा है वो एक ही बार में एक ही लोग बात कर सकते हैं, और जो उसमें क्या हॉकी टॉकी इसका एग्जांपल होता है। अच्छा एग्जांपल अगर बात की जाए तो हॉकी टॉकी होता है। हॉकी टॉकी क्या करता है कि एक तरफ से जब कोई बोल रहा है तो दूसरी तरफ वाला सुनेगा ही सुनेगा, वो बोल नहीं सकता उस समय, अगर बोलेगा तो उसकी आवाज़ इधर नहीं आने वाली है। और दूसरी बात में क्या, जब सुन रहा था अगर उसको बोलना हो तो उसमें एक पुश बटन होता है, पुशअप बटन होता है, उसको प्रेस करेगा और उधर बोलेगा तो उसको सुनना पड़ेगा, वो बोल नहीं सकता। तो ये हाफ डुप्लेक्स सिस्टम होता है। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम बाई डायरेक्शनल तो होता है, लेकिन वन टाइम केवल एक ही लोग उसमें वन डायरेक्शनल ही काम करता है। होता तो बाई डायरेक्शनल, लेकिन वो एक समय के लिए एक ही डायरेक्शनल होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन इन सिग्नल डायरेक्शन एट ए टाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के MIN स्टैंडर्ड्स फॉर, MIN स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल इन नेटवर्क, ऑल ऑफ द एबव। तो इसके फुल फॉर्म जो होगा क्या होगा, हमारा मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो हमारा MIN होता है वो क्या होता है, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। नंबर यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर, आंसर नंबर बी होगा। एक प्रकार से यही पूछ रहा है, मिन का फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक नंबर दिया जाता है जिसे हम मिन बोलते हैं। ठीक,
आई होप क्लियर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर एट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग ए मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन, यानी कि एक मोबाइल स्टेशन से, एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है MSC, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रोमर, तीसरा ऑप्शन दिया हैंड ऑफ, चौथा ऑप्शन दिया फॉरवर्ड चैनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, हैंड ऑफ। यानी कि जब हम किसी एक एक बेस स्टेशन में होते हैं और जब दूसरे बेस स्टेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हैंड ऑफ होती है। मान लो हमारा एक ये बेस स्टेशन है, ये हमारा एक बेस स्टेशन है ठीक, और इसी के पास में एक हमारा ये बेस स्टेशन है, ये वाला हो गया ठीक। तो अगर हमको इस बेस स्टेशन का अगर सेल टावर यहाँ पे है और इस बेस स्टेशन सेल टावर यहाँ पे है तो इसकी रेंज तो यहीं तक आ रही है। अब इससे अगर हमें ये इस टावर में कनेक्ट करना होगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हैंड ऑफ कहा जाता है। यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जब कम्युनिकेशन करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे क्या कहता है, हैंड ऑफ कहा जाता है। यानी एक टावर होता है सेल टावर से दूसरे सेल टावर के बीच में जब कनेक्शन होता है, यानी कि हम एक से छूटेंगे दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हैंड ऑफ कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, हैंड ऑफ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पी सी एन क्या होता है। पहली बात, पी सी एन का फुल फॉर्म क्या होता है, पी सी एन की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका होता है पर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इसमें तो पूछ क्या रहा है, पहला ऑप्शन दिया गया वायरलेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्किंग कॉल्स, दूसरा ऑप्शन दिया फायर रिसीविंग कॉल्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ द यूजर, और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव होगा ठीक। पीसीएन यानी फुल फॉर्म इसका होता है पर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। 9 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द 2G सेलुलर नेटवर्क यूजेज, यानी 2G सेलुलर नेटवर्क का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन दिया है TDMA या FDD, दूसरा ऑप्शन दिया है CDMA FDD, और तीसरा ऑप्शन दिया डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स, और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। जो 2G सेलुलर सिस्टम होता है वो सभी पे उपयोग किया जाता था, यानी TDMA पर भी होता था, CDMA पर भी होता था, और डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट पे भी होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DMF ठीक। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है NADC इज ए 2G स्टैंडर्ड ऑफ, यानी कि NADC के लिए 2G का मानक है। पहला ऑप्शन दिया गया TDMA, दूसरा ऑप्शन दिया गया CDMA, तीसरा ऑप्शन दिया गया बोथ A एंड B, और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, TDMA, यानी कि जो हमारा NADC सिस्टम था, यानी DC 2G स्टैंडर्ड सिस्टम था, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, TDMA का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, TDMA ठीक। अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमारा है 2G CDMA स्टैंडर्ड CDMA 1 सपोर्ट अप टू, यानी कि 2G CDMA मानक CDMA 1 अप करने के लिए समर्थन करता है। किसको समर्थन करता है, कितने यूजर को समर्थन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 8 यूजर, दूसरा ऑप्शन दिया है 64 यूजर, तीसरा ऑप्शन है 32 यूजर, और डी ऑप्शन दिया गया है 116 यूजर। तो CDMA जो होगा वो 64 यूजर को ही अलाउ करता है, यानी कि समर्थन देता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, 64 यूजर। 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा हमारा आंसर नंबर बी आएगा, 64 यूजर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, 2G स्टैंडर्ड सपोर्ट यानी 2G मानकों का समर्थन है। पहला ऑप्शन दिया गया है लिमिटेड इंटरनेट ब्राउजिंग, चौथा ऑप्शन दिया शॉर्ट मैसेज सर्विस, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है
बोथ एंड बी, और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। जो 2G सिस्टम था उसमें क्या होता था कि लिमिटेड इंटरनेट भी दिया जाता, क्या 24 KB 25 KB ऐसे इंटरनेट मिलता था, और जो शॉर्ट मैसेज ही वहाँ सर्विस कर पाते, लॉन्ग मैसेज सर्विस करने के लिए इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं था। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द 2G GSM टेक्नोलॉजी यूजेज ए कैरियर सेपरेशन ऑफ, यानी कि 2G GSM तकनीक में वाहक पृथक्करण को का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कितने, फिर 1.25 MHz, दूसरा ऑप्शन दिया 200 KHz, तीसरा ऑप्शन दिया गया 30 KHz, चौथा ऑप्शन दिया 300 KHz। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, 200 KHz। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी 200 KHz हो जाएगा। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया हो 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 3G WCDMA इज आल्सो नोन, यानी कि 3G WCDMA के रूप में भेजा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है UTMS, दूसरा ऑप्शन दिया गया DECT, तीसरा ऑप्शन दिया गया है DCS 1800, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ETACS। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा, UTMS। UTMS हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या होता है, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, किसमें 3G CDMA आता है। ठीक, CDMA को किस नाम से जाना जाता है, UTMS। फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा 15 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, अगर आपको कुछ PDF की आवश्यकता हो, तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले भी इसी चैनल पे माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग तथा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे भला हो सके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।